नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा पंजाब में आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। बता दें कि चीफ जस्टिस डी वाइन चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 3 सदस्य बेंच ने यह आदेश दिया कि मेयर चुनाव में अमान्य किए गए वहीं 8 बैलेट पेपर माने जाएंगे, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार को मेयर घोषित कर दिया गया। इस चुनाव में 36 वोट थे टोटल, बीजेपी के, कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के, अकाली दल के 36, 35 काउंसलर और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 36 वोट थे। उन 36 वोट्स की काउंटिंग में बीजेपी वालों ने 8 वोट चोरी कर लिए, 25% वोट चोरी कर लिए 36 के अंदर। सोचो, अभी कुछ दिन के बाद देश का बड़ा चुनाव होने वाला है, उसमें 90 करोड़ वोट हैं। अगर ये 36 वोट में से 25% वोट चोरी कर सकते हैं, 90 करोड़ वोटों में ये कितने वोटों की चोरी करेंगे, सोच के भी रूह कांप उठती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुनते तो थे कि बीजेपी वाले गड़बड़ करते हैं, सुनते तो थे कि बीजेपी वाले बदमाशी करते हैं, वोटों की चोरी करते हैं। आज देश की सबसे बड़ी अदालत में मुख्य न्यायाधीश ने एक छोटे से मेयर इलेक्शन का मामला सुना। चंडीगढ़ की आबादी 14.5 लाख है, लोग जानते भी नहीं होंगे कि चंडीगढ़ के अंदर कोई मेयर एक साल के लिए बनाया जाता है। इस छोटे से चुनाव में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने का दम रखने वाली भारतीय जनता पार्टी धोखा देते हुए, झूठ, फरेब, छल, कपट, बेईमानी करते हुए कैमरे पे पकड़ी गई। और आज आईना किसी और ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को दिखाया है कि आपके प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने बेईमानी की। 13 वोट आम आदमी पार्टी के, 7 वोट कांग्रेस के, यानी कि 20 वोट आम आदमी पार्टी के मेयर के कैंडिडेट को मिले थे। 15 वोट बीजेपी के थे, 1 उनके MP, तो 16 वोट उनको मिले थे। 20 वोट वाला जाहिर बात है जीतेगा, मगर उनके कार्यकर्ता अनिल मसीह जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे, उन्होंने खुद कैमरे पर अपनी कलम से 8 आम आदमी पार्टी के वोटों को इनवैलिडेट किया, निशान लगा लगा के उनको खराब किया, कैमरे में पकड़े गए। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी, अगर झूठ बोलोगे तो प्रोसिक्यूट करेंगे, उसके बावजूद झूठ बोला, कोर्ट के सामने झूठ बोला कि मैं पहले से डिफेस्ड बैलेट पेपर्स को निशान लगा के चिन्हित कर रहा था, और वो झूठ आज कोर्ट में पकड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट में मेयर चुनाव को लेकर सुनवाई हुई, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी डॉक्टर SS आलूमुवई का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मेयर चुनाव में जिस तरह से ये धांधली हुई थी, अब ये साबित है कि ये सामने है, और अब सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर वो लीग एडवाइजरी लेंगे। मेयर चुनाव कर SC ने यह सुनवाया फैसला। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बता दें कि दोनों नेताओं ने ऐसे समय में मुलाकात की जब पंजाब हरियाणा के संभू बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं और दिल्ली चलो का नारा दे रहे हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी नेता ने PM मोदी से किसानों के मुद्दे पर भी बातचीत की। बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ उनकी बेटी और पंजाब बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष जय इंदिरा कौर भी मौजूद रहीं। हरियाणा के राज्यपाल बाउंड्री दत्त के अभिभाषण के साथ ही आज हरियाणा विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत की गई। बता दें कि अभिभाषण के बाद हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस के प्रदेश सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पत्र पेश किया गया। इस मामले में अब अगली चर्चा 22 फरवरी को होनी है।
खबर कैथल से है जहां भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने हरियाणा सरकार में बजट पर एक बड़ा बयान दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मनोहर सरकार में सबका साथ सबके विकास के आधार पर यह बजट पेश होगा। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने कांग्रेस पर जमकर हमला भी बोला। इंटरनेट बंद नहीं है, ये आपके ध्यान में भी है। आप जागरूक पत्रकार हैं, नहीं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आपका मीडिया सेंटर है उस मीडिया सेंटर के अंदर नेट अब भी चल रहा है। आप जागरूक देखिए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जितने बजट पेश किए हैं, देश को एक विकास की ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाया है। और मैं इसके अंदर एक और बात बताना चाहता हूं, आप इस बात को भी ध्यान करना, इस बात को लिखना, सभी जागरूक पत्रकार हैं। 55 सालों के अंदर कांग्रेस ने कृषि बजट था जो 25,000 करोड़ रुपए था, आप उसका देखना, देख करके फिर किसानों को भी बताना चाहिए, 25,000 करोड़ था। नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अंदर वो बढ़ करके मात्र 10 वर्षों में 1,25,000 करोड़ रुपए हो गया, 1,25,000 करोड़। जो लोग 25 करोड़ देते थे, क्या किसान का भला कर देते, क्या किसान को वो मजबूत कर देते, ये मजबूत करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। और हरियाणा का भी जो बजट आएगा वो लगातार हरियाणा का सबका साथ सबका विकास, समान रूप से विकास। आज बड़ा विश्वास युवाओं का मनोहर लाल जी की सरकार के ऊपर बढ़ा है। बिना पर्ची के बिना खर्ची के रोजगार मिल रहा है, आज गरीब माँ के बेटे को भी रोजगार मिल जाता है। नहीं, आप कांग्रेस की सरकार में नहीं सोच सकते थे कि गरीब माँ के बेटे को रोजगार मिल जाएगा, वो पैसे के अभाव के अंदर रह जाता था, गरीब व्यक्ति को रोजगार ही नहीं मिलता था। परंतु यह सरकार मनोहर लाल जी की गरीब व्यक्ति की चिंता करने वाली सरकार है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को पंचकुला के सेक्टर 1 खंडक मंगोली में सभी झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों के पूर्व निवास के लिए एक मरला फ्लैट बनाने को लेकर मौके का निरीक्षण किया। बता दें कि हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और प्रशासनिक अधिकारी इस दौरान मौके पर मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों ने कल पार्टी छोड़ दी और दिल्ली जाकर भाजपा ज्वाइन कर ली। आज मुंगलपुर के में भाजपा नेता देवेंद्र सिंह बबला ने फार्म हाउस पर फॉरेंसिक स्टाफ ने सील कर दिया। बता दें कि जिस पर बबला ने कहा कि ये कार्रवाई सिर्फ इसलिए की गई है क्योंकि उन्होंने आप में शामिल होने से इनकार कर दिया। बबला का ये आरोप है कि बिना नोटिस दिए ये कार्रवाई की गई है, साथ ही उन्होंने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताई। क्या हो गया? पूरे पंजाब में संयुक्त किसान मोर्चा निकाला गया, जिसमें किसानों ने कहा कि सरकार ने किसानों की मांगों को अभी तक नहीं मांगा है। पूरे पंजाब में बीजेपी नेताओं के घरों पर हमला किया जाएगा। बता दें कि भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष राजेश कुमार पटेला ने घर के सामने किसानों ने धरना दिया, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान नेताओं ने एक बड़ी सभा की और किसानों की नीति के बारे में जानकारी साझा की। बता दें कि मुख्तार साहिब पंजाब में ये संयुक्त किसान मोर्चा किया गया। कहना यही है जिहड़ा अज असीं इह 3 दिनां दा प्रोग्राम लिखिया संयुक्त किसान मोर्चे वल्लों, इह बीजेपी सरकार दीआं धक्केशाहीआं दे विरुद्ध लिखिया। इक तां जिहड़ीआं संयुक्त किसान मोर्चे दीआं रहिंदीआं मंगां उहनां नूं मनवाउण दे लई, ते दूसरा जिहड़े साडे किसान उत्थे इक दुश्मन देश दी तरहां जिहड़ा उहनां नाल वर्ताओ कीता जा रिहा, मोर्टार दे गोले दागे जा रहे हैं। सो संयुक्त किसान मोर्चा, समुचा संयुक्त किसान मोर्चा, मजदूर जथेबंदियां और जिन्नियां भी है, ये सारा उन्हां दे नाल है, ते असीं उन्हां दे विरोध दे विच 3 दिनां दा प्रोग्राम। हरियाणा में बीजेपी ने प्रदेश चुनाव समिति का गठन किया। बता दें कि प्रदेश मुख्यालय रोहतक में जारी की गई सूची, इस दौरान समिति में प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी, मुख्यमंत्री हरियाणा, हरियाणा के गृह मंत्री समेत कुछ केंद्रीय मंत्रियों के नाम भी शामिल हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आवास के बाहर पंजाब कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। बता दें कि हरियाणा की सीएम
सीमाएं सील करने के विरोध में कांग्रेस ने यह प्रदर्शन किया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल के आवास पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। खबर गुरदासपुर से है, जहां पुलिस ने हीरोइन समेत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। बता दें कि पुलिस ने कश्मीरी युवक को 1 किलो हीरोइन के साथ गिरफ्तार किया। खबर पटियाला से है, जहां कैप्टन अरमिंदर सिंह के घर के बाहर किसानों का धरना प्रदर्शन आज चौथे दिन भी जारी है। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन संघ और समन्वय संघर्ष कमेटी ने कैप्टन अरमिंदर सिंह के मोती महल के बाहर चौथे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रखा। किसानों ने कहा कि आने वाली 22 तारीख को एक बड़ी रणनीति का बड़ा ऐलान किया जाएगा। पंजाब में बीजेपी के छोटे बड़े नेताओं के घर के बाहर धरना प्रदर्शन का दौर जारी है, हमें ऐसे में जारी रखना होगा और 22 तारीख को अगली रणनीति का ऐलान किया जाएगा। देखो रणनीति यह आ, पंजाब दियां जथेबंदियां ने जिहड़ियां सारियां दी मीटिंग होई आ, संयुक्त किसान मोर्चे दियां पंजाब वालियां जथेबंदियां जणी अज तों उन्हां ने सारे पंजाब दे विच जिहड़े टोल प्लाजे रहिंदे ते जिहड़े भाजपा दे मंत्री रहिंदे ते उन्हां दे सारियां दे घरां दे अगे, क्योंकि पीके जुग रहा तां 17 तरीक तों बैठी आ लगातार, जणी तालमेल दे नाल सारियां जथेबंदियां ने ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਗਈ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਸਣਾ ਫੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਬੁੱਝ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਘੋਲ ਨੇ ਵਿਸਾਲ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੱਧਰ ਦੀ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਕੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵਿਸਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਮੇਂ ਹੋ ਚਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕਾ, ਫੌਰਨ ਲੌਟ ਰਹੇ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। 21 फरवरी को होने वाले दिल्ली चलो मार्च पर किसान नेता सरवन सिंह का एक बयान सामने आया है। बता दें कि उन्होंने कहा है कि सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है कि वे हम किसी भी कीमत पर दिल्ली में प्रवेश नहीं करने देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा में हालत कश्मीर जैसे हैं, हम 21 फरवरी को दिल्ली और की मार्च करेंगे। सरकार ने हमें एक प्रस्ताव दिया था ताकि हम अपनी मूल मांगों से पीछे हट जाएं, अब जो भी होगा उसका जिम्मेदार सरकार होगी। जहां तक सवाल है सरकार का, तो जब हमने 13 को दिल्ली कूच का कार्यक्रम रखा था तो इससे 10 दिन पहले से हरियाणा पूरी तरह खनौरी और ये शंभू बॉर्डर को सील करना शुरू कर दिया था, तो सरकार की मंशा पूरी क्लियर हो चुकी थी भी वो किसी भी कीमत पर हमें दिल्ली नहीं जाने देंगे। तो यही हमारे बीच सबसे बड़ा गतिरोध है। अगर किसानों से बातचीत करके आपको समाधान नहीं ढूंढना है तो कम से कम ये धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी का देश है, संविधान के अनुसार सभी को बात करने का हक है, हमें फिर दिल्ली भी तो जाने दिया जाए ना, क्यों नहीं जाने दिया। तो ये जिस तरह से उन्होंने बैरिकेटिंग की, जिस तरह से आगे हम बढ़े तो रबट की फायर हुए, हमारे ऊपर शेलिंग हुई बहुत बड़ी तादाद पर, और उसके ऊपर बहुत सी हमने बुलेट चलने की भी पुष्टि हो चुकी है, अभी बुलेट टायरों पर इस्तेमाल की गई जो आगे ट्रैक्टर जा रहे थे। तो सरकार की मंशा तो क्लियर है ना कि किसी भी कीमत पे आपको दिल्ली नहीं जानेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से पिछले कुछ दिनों से लगातार केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन किए गए। धरने प्रदर्शन के बाद भी हल नहीं निकल जाने पर किसान जत्थेवादियों की ओर से संयुक्त किसान मोर्चा की कल अलग अलग टोल प्लाजा को फ्री करवाया जाएगा, जिसके चलते पठानकोट अमृतसर नेशनल हाईवे पर पड़ते लतपवला टोल प्लाजा को 3 दिनों के लिए फ्री करवाया जाएगा। साथ ही किसान जत्थेवादियों द्वारा 3 दिन तक धरना प्रदर्शन टोल प्लाजा पर ही किया जाएगा। फरीदाबाद के मोहन गांव से होकर गुजर रहे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर किसान लंबे समय से धरने पर बैठे हैं, लेकिन आज उनके सब्र का बांध टूट गया, जिसके चलते मोहन और आसपास के गांव के किसानों ने आज केजीपी एक्सप्रेसवे को जाम कर दिया। देखो सीएम साहब मोहना गांव को कट की घोषणा करके गए थे, कट दे के गए थे, पनेरा गांव में आए थे भंडारे में,
तो उसके बाद इस कट को लेके यहाँ मोहना गांव में लेके आगे इस कट को दे दिया फरेदा गांव में। कृष्णपाल गुर्जर जी हैं जिन्होंने इस कट को अपने स्वार्थ के लिए इसे आगे करवा दिया, आगे ले गए। तो आज हमारा जो रोड जाम करने का था 10-15 मिनट हमने रोड जाम किया, रोड पे बैठे हैं। तो सरकार को ये चेतावनी है, या तो हमारे सरदारों से अपील है थोड़ी शांति रखें, मांगों को पूरी करें, अभी हमारे बीच में तो कट को दे, अन्यथा प्रोग्राम से पहले कुछ वक्त रह गए थे अपने बीच। ये पिछले 4 तारीख को जो 4 फरवरी को हमारे किसान मोहना मंडी में हमने एक सभा आयोजित की थी और उसमें हमारे सरदारों ने फैसला लिया था पाल पंचों ने 10 दिन का टाइम सरकार को दे रहे हैं, 10 दिन में हमारी सरकार हमारी मांगों पर विचार करे, हमारा कट हमें जो हमारा अधिकार दिया जाए। उसके 10 दिन बाद सरकार के वहाँ हम उसे नितिन गडकरी से मिले, माननीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से मिले और उन्होंने कहा कि हमारे सर्वे करने के लिए आ रहे हैं हमारे अधिकारी, मगर कोई अधिकारी नहीं आया। आज इसीलिए उसी के मद्देनज़र हमें रोड जाम करना पड़ा, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के तौर से और कठोर से कठोर कदम और ले सकते हैं। एक सांकेतिक था, आज 15 से 20 मिनट के करीब हमने इसको जाम किया है और ये दिखाया है आगे भी हम और कठोर फैसला ले सकते हैं, इसको पूरी तरह से अनिश्चितकाल ले जाम करते हैं। किसानों ने आज जलंधर में भाजपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोरंजन कालिया के घर के बाहर धरना लगाया। बता दें कि एसकेएम यूनियन द्वारा जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। किसानों ने मनोरंजन कालिया पर यह आरोप लगाया कि वह किसानों के हक में कोई भी स्टैंड नहीं ले रहे हैं, सेंट्रल में उनके मुद्दों पर नहीं उठा रहे हैं, जिसके बाद किसान रोष में आकर पूर्व भाजपा मंत्री के आवास के बाहर घर के बाहर डटे हुए हैं। बता दें कि इसमें पहले कांग्रेस के मनोरंजन कालिया के आवास के बाहर धरना प्रदर्शन लगाया गया था। ਗਰੰਟੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਉਹ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੀ MSP ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਲੀਕ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਧੜਾਧੜ ਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ 220 ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਲੇ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਸੁਣੂਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਇੱਦਾਂ ਜਾਰੀ। किसानों के आंदोलन को लेकर दाखिल दोनों याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। ऐसे में खबर अब यह सामने निकल कर आ रही है कि केंद्र सहित पंजाब और हरियाणा द्वारा स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल कर ली गई है। वहीं किसानों की ओर से आज भी कोई वकील हाईकोर्ट में पेश नहीं हुआ। हाईकोर्ट ने कहा कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना सभी का अधिकार है, लेकिन इससे किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। बता दें कि मंगलवार को किसान ने दिल्ली कूच के मामले में आज हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर दिल्ली ही जाना है तो बस से चले जाइए, ट्रैक्टर और ट्रॉली का काफिला लेकर जाने की क्या जरूरत है। किसान आंदोलन का असर अब पूर्व प्रदेश पर भी पड़ने लगा है। बता दें कि हर वर्ग के लोग मुख्य मार्ग बंद होने से परेशान हो गए हैं। अब इस आंदोलन का असर आम आदमी पार्टी के रोजगार के कार्यों के साथ साथ जनता की जेब पर भी पड़ने लगा है। बता दें कि अंबाला शहर स्थित एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट के व्यापारी भी व्यापार न चलने की वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि रोजाना उन्हें लाखों रुपये का नुकसान झेलना पड़ रहा है, ऑनलाइन पेमेंट नहीं चल रही है और रास्ते पूरी तरह से बंद हैं। किसान आंदोलन के दौरान शंभू बॉर्डर पर तैनात एक पुलिसकर्मी की मृत्यु हो गई। बता दें कि कौशल कुमार सुबह शंभू बॉर्डर पर ड्यूटी पर तैनात थे, इस दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी और जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। साथ ही कौशल कुमार बतौर ASI अंबाला SP ऑफिस में अकाउंट ब्रांच में तैनात थे। खबर पटियाला से है जहां चोरों के हौसले बुलंद देखने को मिल रहे हैं। बता दें कि पटियाला में दिन प्रतिदिन स्नैचिंग, लूट और डकैती जैसे मामले बढ़ते जा रहे हैं। वहीं नया मामला पटियाला के आर्य समाज चौक पर बने जगदीश किनारा स्टोर में चोरों ने देर रात 70,000 रुपये के करीबन कैश लेकर रफू चक्कर हो गए। बता दें कि पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई। साथ ही सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
खबर पंचकुला से है, जहां सेक्टर 15 के रहने वाले 21 वर्षीय युवक ने पत्नी की मौजूदगी में बाथरूम में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। बता दें कि मृतक की पहचान सत्यप्रकाश, उम्र 21 साल, सेक्टर 15 निवासी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सत्यप्रकाश की दिसंबर के महीने में ही शादी हुई थी। फिलहाल आत्महत्या करने के कारणों का पता अभी तक नहीं चल पाया है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक के परिजनों ने बताया कि सत्यप्रकाश अपनी बीवी के साथ सेक्टर 15 में रहता है। इस दौरान सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, साथ ही मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। पिछले दिनों बरनाला जिले के पास AGTF टीम द्वारा मुठभेड़ में सरोड़ी गैंगस्टर काला मान की मौत हो गई थी। बता दें कि श्री अकाली दल अमृतसर के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान सांसद सिमरनजीत सिंह मान ने काला मान के घर जाकर पूछताछ की। बता दें कि सांसद मान ने कहा कि सांसद होने के नाते उनकी जानकारी मिली कि जब काला मान धनोला पुलिस के घेरे में आ गया था तो काला मान आत्मसमर्पण करने के लिए हाथ उठाकर लाल कोठी के बाहर आ गया था, लेकिन पुलिस ने फिर भी गोली चला दी और भगाया और उसका नकली चश्मा बनाकर उसे गोलियों से भून दिया। इस झूठे एनकाउंटर की न्यायिक जांच होनी चाहिए। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा आज अपनी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हांसी के ट्रेन में सवार होकर रोहतक पहुंचे। इस दौरान हांसी में रोहतक के लोगों ने नई रेलवे लाइन के लिए उनका धन्यवाद दिया। साथ ही हांसी स्टेशन पहुंचने पर दीपेंद्र का फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया और ट्रेन में सफर करने के लिए बड़ी संख्या में लोग उनके साथ शामिल हुए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।